जय हिंद दोस्तों, मैंने जो आपको ये वीडियो दिखाया है पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, आपको आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये बिहार के नालंदा जिले का वीडियो है 31 मार्च का। 31 मार्च को रामनवमी के जुलूस के अंदर दोस्तों हिंसा भड़क गई, दो समुदाय के बीच में हिंसा भड़क गई। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है ये काफी ज्यादा नालंदा जिले के बिहार शरीफ में मदरसा बना हुआ है। दोस्तों दंगाइयों ने मदरसे में आग लगा दी, 4,500 से ज्यादा वहां कुरान शरीफ भी थे, जलकर राख कर दिए गए। दोस्तों मैं आपको वो पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया किस तरीके से नालंदा जिले के बिहार शरीफ में 31 मार्च को जो दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई उसमें एक मदरसे को टारगेट किया गया, मदरसे को पूरी तरीके से राख कर दिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है वहां 4,500 से ज्यादा कुरान शरीफ भी थे, उनको भी जला दिया गया है दंगाइयों की तरफ से। दोस्तों ये नालंदा जिले के बिहार शरीफ में 31 मार्च को रामनवमी के जुलूस द्वारा मदरसा अजीजिया मदरसे का नाम है अजी जिया को आग लगा दिया गया। मदरसे में करीब 4,500 कुरान और दीगर किताबें थी। दोस्तों पूरी तरीके से आपको वीडियो में देखा पूरी तरीके से आग को जला दिया गया है, यानी आग से पूरे मदरसे को जला दिया गया है। दोस्तों आपने हमारे देश में 2014 के बाद से बड़ी बड़ी सभाओं में हमारे नेताओं को और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो अपनी रैलियों में एक दूसरे समुदाय यानी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हैं। कोई कहता है कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। कोई दोस्तों मुसलमान लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए बात करता है। बहुत से लोग डीजे बजाने को कहते हैं कि रामनवमी पे जुलूस निकालें, मुसलमान इलाकों से निकालें, मस्जिदों के सामने निकालें, तेज आवाज में डीजे बजाएं। मुसलमानों को कोई पाकिस्तान भेजने की बात करता है। अब दोस्तों कोई मुसलमानों को मारने की, उनके घरों को जलाने की बात करता है। अब उसका असर दिखने भी लगा है, उन रैलियों का असर दिखने भी लगा है जो आपको मैंने आज वीडियो दिखाया। तो ये जो मदरसा जलाया गया ये आजादी से पहले का मदरसा है, यानी काफी ज्यादा पुराना मदरसा है।
दोस्तों हिंसा कैसे बढ़की इस पर मैं नहीं जाता हूं, पर जो हिंसा में नुकसान हुआ है वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। दोस्तों ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक तेलंगाना यानी हैदराबाद का एक बीजेपी का सस्पेंडिंग विधायक है जिसके ऊपर बहुत सारे केस है, वो आज भी खुले में घूम रहा है, जिसका नाम है टी राजा सिंह, जो वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है, मुसलमानों को गालियां देता रहता है, इस्लाम को गाली देता रहता है, विवादित बयान भड़काऊ बयान देता रहता है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर यही कोई दूसरा माइनॉरिटी वाला इंसान कर दे, मुसलमान कर दे, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और बुलडोजर चला दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं तो पंजाब का उठा लीजिए, जिसका नाम था अमृतपाल सिंह, उसके ऊपर सही कार्रवाई हुई क्योंकि वो देश को बांटने वाली बात कर रहा था, वो खालिस्तान लेने की बात कर रहा था, अलग देश मांग रहा था सिख समुदाय के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। पर जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों को गालियां, मुसलमान लड़कियों को उठाने की बात कर रहे हैं, रेप करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर हिंदू समुदाय का या आपके हिंदू, आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का अगर कोई लोग विवादित बयान या हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके ऊपर, क्योंकि वो आपके वोट का सवाल है। अगर आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो आपके वोट कम हो जाएंगे, आप चुनाव हार जाएंगे। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं, आपको सिख का वोट नहीं चाहिए, इसलिए आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं कि हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी किसी भी समुदाय का कोई भी जाति का इंसान अगर संविधान के कानून के खिलाफ जा रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, आप उसके धर्म जाति को मत देखिए, आप अपने फायदे या चुनाव हार जाएंगे, ये मेरा वोट है ये मेरा वोट नहीं है, इसको मत देखिए, आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए। पर हमारे देश में ये नहीं हो रहा, आपको मैंने वीडियो दिखाया है, इस पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।